स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल My Hobby is Gardening में। आज हम आप लोगों को जो वीडियो में दिखाने जा रहे हैं वो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आज हम बताते हैं आपको कि जब हमारे प्लांट छोटे पॉट में होते हैं, फिर जैसे इस टाइप से, तो जब वो प्लांट्स मेरे ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम उनको अपने बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं। तो जब हम प्लांट्स को छोटे पॉट से निकालते हैं तो बहुत डर लगता है कि कहीं वो जड़े टूट ना जाएं और बेकार ना हो जाएं। तो इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं, हमने एक प्लांट तो मैंने जो भी दिखाया था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। फिर मुझे ख्याल आया मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोगों के पॉट जो हैं रिपोर्ट करने वाले होंगे, प्लांट्स जो हैं उनके बड़े हो गए होंगे। तो आप देखिए इस तरह से मेरे पास ये जो है नोकदार हसिया है, तो मैं इसी से पॉट के किनारे किनारे ही इसको मैं बस मैं घुमाऊंगी। बट एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप पॉट से प्लांट को निकालें, मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी सूखी होगी तो वो बिखरेगी और जले भी मिट्टी से चिपकी हुई नहीं होंगी उस समय, तो आपके प्लांट्स की जले भी टूट जाएंगी। इसलिए मिट्टी जो है मॉइस्ट होनी चाहिए जब, तो इस तरह से वो आराम से बाहर आ जाएगा जल समेत। इस तरह से हमने साइड से पूरा उसको घुमा लिया है अंदर तक। अब हम पीछे से हल्के हल्के टैप कर देंगे जिससे कि जो नीचे की मिट्टी है वो भी गमले से छूट जाए, और हम ज़बरदस्ती उसको खींचेंगे नहीं इस तरह से। पहले हल्के सा उसको चेक करेंगे हल्के से कि बाहर आ रहा है कि नहीं। फिर ये देखिए मैंने इससे जो है साइड से और उसको मैंने छुटाने की कोशिश की। ये काम बहुत ही आसानी से करने वाला है, ये एकदम से काम का नहीं है। इसमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोग काम कीजिएगा, आराम से आपका पौधा बाहर आ जाएगा। अभी आप देखिएगा ये मेरा बंदर ने तोड़ दिया था, जब छोटा था तब मैंने इसको टेप से ठीक किया था, तो ये टेप मैंने निकाला नहीं है। ये बहुत छोटा था तब मैंने लिया था, तो मैंने छोटे से पॉट में ही इसको सेट कर दिया था। अब इसको दूसरे पॉट की नीड है। अब आप देखिएगा इसको मैंने हल्के से उठा लिया, झुका के हल्के हल्के मैं निकाल रही हूँ, बहुत ही हल्के हल्के, एकदम से झटके से नहीं निकालना है, नहीं तो सारी मिट्टी बिखर जाएगी, जड़ें टूट जाएंगी। ये देखिए पूरा बाहर आ गया है, ये देखिए इसकी जड़ कितनी लंबी हो गई है सब, कि छोटे पॉट में मिट्टी छोटी कम होती है, सारी जड़ें भर जाती है। देखिए इसमें एक भी जड़ नहीं टूटी है और आराम से मिट्टी और जल समेत पौधा बाहर आ गया है, क्योंकि मैंने साइड से ऐसे घुमाया था जिससे कि गमले से चिपकी हुई मिट्टी छूट गई और नीचे से टैप से छूट गई थोड़ी सी। इसी तरह से आप लोग भी अपने प्लांट्स को छोटे पॉट में से निकालिएगा, आसानी से आपका प्लांट बाहर आएगा। क्योंकि पौधा निकालते समय बहुत डर लगता है कि हमारा चलता हुआ इतना अच्छा पौधा कहीं डैमेज ना हो जाए, इसलिए अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे। और मिट्टी उसी तरह से आप लोगों को तैयार करनी है, बरसात है इसलिए कभी भी मिट्टी तैयार करने में कोकोपीट का यूज़ ना करें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। वैसे सबसे बेस्ट गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद जो है चिपकती नहीं है बेसिकली, तो उससे मिट्टी में चिपकेगी नहीं, तो पानी भी आसानी से बाहर हो जाता है। और इसे हल्के से पुश कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे ही अगर हम इसको हल्का सा भी दबाएंगे नहीं तो ये ऐसे ही हिलता रहेगा, और इसकी जो जड़ें हैं वो भी मिट्टी से टच नहीं हो पाएंगी ठीक से, तो मिट्टी को वो पकड़ेंगी नहीं, इससे हमारा पौधा सूख सकता है। इसलिए हल्का सा, बहुत हल्के हाथों से पुश भी कर दें जिससे कि वो सेट हो जाए अच्छे से। और ये देखिए अब पौधा हल्का लीव्स इसकी
ये येलो भी हो रही थी क्योंकि उसमें बिल्कुल भी उसके लिए स्पेस नहीं था और नए नए किले आ रहे हैं, इसलिए मुझे रिपोर्ट करना पड़ा। और ये मेरा आलमंडा का है, ये भी बहुत छोटा था जब लिया था तो मैंने छोटे पॉट में किया क्योंकि छोटे पॉट को एकदम से हम 12 इंची का पॉट नहीं दे सकते। छोटे पौधे को हमेशा पहले छोटे पॉट में ही लगाएं, फिर उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको पॉट दीजिए। अभी इसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसमें खूब अच्छे खूब ढेर सारे फ्लावर्स आए थे तो मैंने इसको इसीलिए रिपोर्ट नहीं किया था। अब इसके फ्लावर्स हट गए हैं तो अब इस समय मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी, जिससे कि ये नहीं तो उस समय सारे फ्लावर्स झल जाते, सूख जाते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्लांट शॉक होता ही है कि मैं यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। और इसमें भी मैंने उसी तरह से अपनी मिट्टी में नीचे गार्डन की लीव्स वगैरह जो भी होती हैं सूखी निकलती हैं गिरती हैं येलो होती हैं वो मैं डाल देती हूँ, और ये किचन का जो मटेरियल निकलता है वो भी मैं डाल देती हूँ। इसे आयरन पोटेशियम फास्फोरस सब कुछ मिल जाता है और हमें इस तरह से जितना ज़रूरत नहीं होती ना अलग से कुछ भी डालने की टेंशन नहीं होती है। ऊपर तो हम गोबर की खाद दे ही रहे हैं, पूरी मिट्टी में गोबर की खाद है, नीम खली है, फंजीसाइड है, साफ का फंजीसाइड भी डाला हुआ है। और ये इसको भी हम इसी तरह से गोल गोल घुमाएंगे, मैं एक ही हाथ से मैं कर रही हूँ, एक हाथ से मैंने फोन लिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे करके ऐसे गिराया और फिर पीछे से टैप किया तो वो मिट्टी छोल दे देता है पॉट, तो मिट्टी थोड़ी लूज हो जाती है जिससे कि आसानी से पौधा बाहर आता है। अब इसको मैंने उठा के गमले के ऊपर ही टिका लिया है जिससे कि जब प्लांट बाहर आएगा उसकी मिट्टी या जो भी आएगा एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, उसी गमले में जहाँ मुझे इसको सेट करना है वहीं पे आएगा। और ये मैंने इसको हल्के हल्के, अभी ये पूरी तरह से निकला नहीं था तो हल्के हल्के फिर से मैं साइड से इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है जड़ें बहुत हो जाती हैं प्लांट्स में तो वो एकदम से अपनी जगह को नहीं छोड़ पाती हैं। इस तरह से टेक मार के मैं गमला रखा हुआ है जिससे कि हमारा गमला भी सेफ रहे और हमारा पौधा भी। अब इसको हल्के हल्के हम फिर से बाहर निकालेंगे, ये देखिए सारा प्लांट बाहर आ गया है जल समेत, देखिए और देखिए पूरी मिट्टी भी आ गई है उसमें, बिल्कुल नहीं रह गई। इस तरह से अगर आप भी अपने प्लांट्स को हल्के हल्के पेशेंस के साथ निकालिएगा, धैर्यपूर्वक ये काम करने का है, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा पौधे को निकालने से। एक जगह से एक जमे जमाए पौधे को आप निकालेंगे तो थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है उसमें। अब हम इसको सेंटर में सेट कर देंगे, ये सारी जड़ें इसकी देखिए कितनी बाहर को हो रही हैं, पूरी में मिट्टी में जड़ें ही हैं। अब इसमें मिट्टी भर देंगे, बस लग गया प्लांट। इसी तरह से मैंने अपना एक मैंने क्रोटन भी मैंने दूसरे पॉट में रिपोर्ट किया है, उसकी भी पूरे गमले में जड़ें भर गई थी, रूट बॉन्डिंग हो गई थी उसकी भी पूरी। इसी तरह से वो जो है ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, जब भी आपका प्लांट ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या लीफ उसकी येलो हो रही है तो आप
और अच्छी सी ग्रोथ भी हो गई है प्लांट की, और पॉट छोटा सा है तो आप समझ लीजिए कि उस वो दूसरा पॉट की डिमांड कर रहा है आपसे, कि उसे अब दूसरे पॉट की नीड है, क्योंकि उसमें उसकी जड़ें फैल नहीं पा रही हैं, इस वजह से उसकी ग्रोथ जो है रुक गई है। अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी जो मैंने आप लोगों को मैं दिखाया भी था उस दिन, उसको भी मैंने 12 इंच का ही पॉट दे दिया है। अब वो अच्छे से ग्रो होगा। अब देखिए, अब हमारा लंटाना भी सेट हो गया है। अब ये बरसात में और भी अच्छे से फैलेगा, इसमें नई नई शूट्स आएंगी, तो जितने ही किल्ले आएंगे उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स भी आते हैं, क्योंकि हमेशा फूल जो टिप पे ही आते हैं, इसलिए ये देखिए नए। अब इसमें बर्ड्स भी हैं, बन रही हैं नई बर्ड्स, क्योंकि फूल खिल चुके हैं, झल चुके हैं, अब जो है नए आएंगे। ये गुड़हल है, ये देखिए ये भी मैंने किया है, और ये मेरा वो अभी ये भी मुझे रिपोर्ट करना है, क्रोटन का छोटे पॉट में है, इसको भी रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि इसकी भी जड़ें मैंने चेक की तो ये देखिए ऊपर तक आ गई हैं, पूरी हर जगह जो है भर गई हैं। अब इसको भी पॉट की ज़रूरत है, तो इसको भी मैं 12 इंची पॉट में ही इसी तरह से इसी मेथड से धीरे धीरे करके निकालूंगी। और ये देखिए ये वाला वो प्लांट है मेरा जिसकी ग्रोथ रुक गई थी और लीव्स भी येलो होने लग गई थी, इसको भी मैंने इसी तरह से निकाला था और इसको भी मैं सेट किया। और ये इतने छोटे से पॉट में था, देखिए कितना छोटा सा नन्ना सा पॉट है, इसमें ये इतना बड़ा पेड़ था, इसीलिए इसकी ग्रोथ रुक गई थी। अब फिर से ये ठीक हो जाएगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। अभी ये मौसम अच्छा है, आप किसी भी प्लांट को ला के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, किसी भी प्लांट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, छोटे से बड़े गमले में कर सकते हैं। अभी इस समय बरसात के सीज़न में आप हर एक काम कर सकते हैं। अब पूरी तरह से आप अपने पेड़ों को पानी डालिए खूब अच्छे से गमले में, उनको नहलाइए, शावरिंग करवाइए, फिर इनको छाई में रख दीजिए, धूप में मत रखिएगा, क्योंकि अभी अभी रिपोर्ट किए हैं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।